वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का पीएफटी हो चुका होगा, उसके बाद आप लोगों का मेन क्या चेक होता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलती है आई में, हाइट में, हाइट और वेट के रेशियो में। तो यह चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। नेवी MR SSR AA में कितना आई का विजन लगता है एंड कितना हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, ये एकदम पूरे डिटेल्स में आज आपको बता दूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल पूरा सेम टू सेम वहाँ पर आपका ऐसा ही चेक होता है, याद रखिएगा। और क्या आई का विजन होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो परम कर्तव्य आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली वीडियोस का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगा रिगार्डिंग नेवी एयरफोर्स, वो आपको नोटिफिकेशन उसका समय से मिल सकेगा। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आई विजन से स्टार्ट करूँगा। सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाता है आई विजन ही। चलिए देखते हैं क्या कैसा कितना विजन लगता है। तो देखिए कुछ कुछ चेक होता है, एक बार यहाँ पर ही नज़र डाल सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑथराइज बाय मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब अंडर ए। तो बेसिकली देख लीजिए, 157 नॉर्मल हाइट होना चाहिए जो आपका हो चुका होगा, और आपका चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का। फ्लैट फुट, नॉक नी, डिफॉर्मिटीज नहीं रहना चाहिए, सर्जिकल ये सब नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे दिखाते हैं जो मेन मुद्दा है मेरा आज का वीडियो का। सबसे पहले ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, देखिए क्या क्या इसमें आपका आई विजन लगेगा। तो डबल ए के लिए 6x6 सबसे बेटर है, ये चल जाएगा 6x6 विदाउट ग्लास, परफेक्ट है, चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए विथ ग्लासेस जो बेटर आई है 6x6 लिया जाएगा विथ ग्लासेस, बट वर्स ग्लासेस आई 6x6 और 6x9। फिर देखिए SSR के लिए भी 6x6 विथ ग्लासेस 6x9, 6x6, 6x6, MR में 6x6, 6x9, 6x6, 6x6। तो देखिए यह इंडियन नेवी के ही साइड से लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं खुद से बना रहा हूँ, जो यहाँ पर इस साइड में दिया गया उसी साइड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। MR म्यूजिशियन में 6x60, 6x60, 6x9 और 6x24। तो ये सब बेसिक है, आप लोग देख सकते हैं। बेटर सबसे यदि 6x6 आपका है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। विथ ग्लासेस 6x6 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6x6, 6x6, 6x9 वर्स आई देख सकते हैं क्या हो सकता है, पता नहीं, बट यहाँ पर दिया है मतलब एक्सेप्टेबल हो सकता है 6x6 वर्स आई के मुताबिक। तो यह किसका है, आपका विथ या विदाउट ग्लासेस एंड विथ ग्लासेस, दो कॉलम इसलिए बना है कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आप लोगों के तरफ से। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए आपका हाइट तो आपको पता है, इफ़ यदि आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो यदि आप यदि 18 साल के हैं, कितने 18 साल के हैं या फिर 20 साल के, 18 साल के हैं तो 45 केजी और 20 साल के हैं तो 46 केजी आपका आइडियल वेट है। 155 जो कि आपसे टेबल ही नहीं है, 157 देखते हैं सबसे मिनिमम जो आपका वेट होना चाहिए एकदम आइडियल, 47-49 इन दोनों के बीच में है या 50 kg है एक्सेप्टेबल है, 10% एक्सेप्टेबल रहता है। जैसे आपका वेट 50 kg है, ठीक है, इसका 10% आप निकाल सकते हैं। तो 10% कितना होता है आपको पता होगा, 5, यानी 50 में यदि 5 जोड़ दे, 50+5 मैक्सिमम इतना लिया जाएगा, मिनिमम कितना लिया जाएगा 50-5 यानी 45 kg मिनिमम और मैक्सिमम 55 kg लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये मेडिकल का पॉइंट बनता है। नेक्स्ट देखिए आप यदि 160 सेंटीमीटर के हैं तो आपका मिनिमम जो 48 से 50 के अंदर आपका रहना चाहिए आइडियल वेट। यदि 162 सेंटीमीटर है तो कितना रहना चाहिए, 50-52 के अंदर। 165 सेंटीमीटर है तो 52-53 के अंदर। 168 सेंटीमीटर है तो 53-55 के भीतर। 170 सेंटीमीटर यदि आपका हाइट है तो 55-57 सेंटीमीटर के अंदर आपका, सॉरी, 55-57 क्या वेट रहना चाहिए। यदि आपका हाइट 173 है तो आपका वेट 57-59, 175 है तो 59-61, 178 है तो 61-62, 180 है तो 62-64,
183 है तो 65 से 67, 185 है तो 67 से 69 के अंदर आपका वेट रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 188 है तो आपका 70 से 71, 190 है तो 72 से 73, 193 है तो 74 से 76। तो ये आपका जो है मिनिमम आपका इतना, और मिनिमम मतलब एक आइडियल वेट रहना ही चाहिए 195। तो लास्ट देख लीजिए 195 में क्या है, 77 से 78 हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है। जो पहाड़ी इलाके में बंदे रहते हैं उनको हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। तो टैटू के ऊपर भी देख सकते हैं किस टाइप के आपके टैटू अलाउ है नहीं है। परमानेंट बॉडी टैटूस और ओनली परमिटेड और इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, फोर आर्म्स के इनर फेस पे रहेगा तो परमानेंट टैटू अलाउ किया जाएगा। फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो, एल्बो के इनसाइड से टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर साइड ऑफ पाल्म, राइट साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटूस ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सेसेबल एंड कैंडिडेट विल बी बैरिड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट, यानी उसको रिक्रूटमेंट से हटा दिया जाएगा। सिर्फ कहाँ अलाउ है, फ्रॉम इनसाइड टू द एल्बो एंड रिस्ट ऑन द रिवर साइड ऑफ पाल्म, यहीं पर ही आपका टैटू अलाउ है और कहीं आपका टैटू अलाउ नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो बेसिक था एकदम, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं, विदाउट ग्लास विद ग्लास तो देख लीजिए अच्छे से। और यदि देख लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सबका वेट बता दिया है। तब तक के लिए जैन फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर जरूर कीजिए। सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहिए मैं ज़रूर देते रहूँगा। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।